हेलो दोस्तों, मेरा नाम तरुण था। मेरा चैनल क्लासरूम दादा, तह दिल से सभी को स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं जो मुझे बहुत ही काफ़ी करियर लॉन्चिंग में वैकेंसी जॉब के ऊपर काफ़ी सारा सपोर्ट मिला है। तह दिल से सभी दोस्त को मैं स्वागत करता हूँ। सभी को इच्छा होता है एक गवर्नमेंट जॉब के लिए। एडुकेशन कर रहे हैं तो सभी इंसान का एक ही इच्छा होता है, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। लेकिन आज जो टॉपिक बात रहा हूँ, एक गवर्नमेंट सेक्टर का बहुत ही शानदार जॉब है, फ्रेश जॉब है, रेलवे, इंडियन रेलवे का जॉब है, डिफरेंस कैटेगरी होता है। दोस्तों आज जो जॉब के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इस जॉब के लिए आपको कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है। बिना टेक्निकल का आदमी ये आराम से ये जॉब के लिए एलिजिबल है। सिर्फ टेक्निकल होना रेलवे का जॉब नहीं है, बिना टेक्निकल में भी रेलवे का बहुत जॉब मिलता है। उसी के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ, जो इंडियन रेलवे का ही है, गवर्नमेंट जॉब है, टिकट कलेक्टर टीसी और टीटीई, ये दो कैटेगरी यूज होता है। एक होता है सीसी, टीसी और टीटीई ये सबसे ज्यादा सभी को पता होता है। जो रेल में सफर करता है, ट्रैवल करता है, उसको मालूम होता है टीटीई होता है और टीटीसी होता है। सबसे बता दूं कि टीटीसी और टीटीई के अंदर डिफरेंस क्या है। टीसी मतलब है टिकट कलेक्टर। जैसे आपने ट्रेन से उतरा और प्लेटफॉर्म से बाहर जाना है तो आपको एक काला कोट वाला एक आदमी मिलेगा जो आपको टिकट मांगता है, दैट इज ए टीसी, टिकट कलेक्टर। उसका काम है टिकट को सर्वे करना, टीसी टिकट कलेक्टर। दूसरा होता है टीटीई, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, जो ट्रेन के अंदर आके आपसे चेक करता है ये टिकट आपके पास कितना डिस्टेंस का टिकट है, ओरिजिनल डेट का टिकट है कि डुप्लीकेट टिकट है, जो भी है उसका नाम है टीटीई। दोस्तों ये टीसी और टीटीई, और होता है तीसरा होता है टीसीसी, कमर्शियल क्लर्क। ये तीनों एक जैसा ही पोस्ट है, तीनों का काम है टिकट को चेक करना अलग अलग प्लेस में बैठ के। तो टीसी टिकट कलेक्टर, टीटीई ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, दोनों मतलब दोस्तों इसके लिए क्वालिफिकेशन का बात करें, ये आपको दिख रहा है टीटी और टीसी। एवं एग्जामिनर क्वालिफिकेशन का बात करें, मेन क्वालिफिकेशन आपका योग्यता उसके अंदर होना चाहिए। इसके लिए एकमात्र जो प्रोसेस है क्वालिफिकेशन का, वो है 12 पास। किसी भी सब्जेक्ट में, हिंदी हो, इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, संस्कृत हो, किसी भी सब्जेक्ट में आपने 12 पास किया, आपका मिनिमम क्राइटेरिया 50% के पास में नंबर है, 50% नंबर है, 12 ओनली 12, 10 प्लस 2 एकदम सीधा क्लियर लिखा हुआ है साइड पे, 10 प्लस 2 किसी भी स्टेट का हो तो आप एलिजिबल है इसको अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेशन के प्रोसेस क्या होता है, सीसीटीसी इस थ्रू आपको एप्लीकेशन करना है। सीसीटीसी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये इसका एप्लीकेशन का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आपको अप्लाई करना है। वैकेंसी क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, सीसी कमर्शियल क्लर्क, टीसी टिकट कलेक्टर, ईसीआरसी जो है इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क, इंक्वायरी कम रिजर्व क्लर्क, ये जो होता है ईसी, ये जो आप काउंटर में जाके टिकट लेते हैं, से रिजर्वेशन का हो बा रेगुलर जनरल टिकट हो, वो जो टिकट देता है उसका जो पोस्ट होता है वो है ईसीआरसी। ठीक है दोस्तों, ये चार पोस्ट नॉर्मली इसमें थ्रू होता है, सीसीटीसी के थ्रू होता है, सीसी टीसी ईसीआरसी टीटीई, ये सभी एक जैसे ही पोस्ट है, इसके थ्रू आप एप्लीकेबल हो सकते हो। टीटीई, ठीक है दोस्तों। इसका एज लिमिट क्या होता है, एज लिमिट होता है 18 से लेके 30 इयर्स तक जनरल कैटेगरी के लिए है। 18 से लेके 30 एज तक आप एलिजिबल हैं।
इसके बाद गवर्नमेंट अलाउंसेस हिसाब से ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, रेलवे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का है। जो रिलैक्सेशन सिस्टम है ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल, फिजिकल हैंडीकेप के लिए 10 साल, ये तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो आपका एज लिमिट 18 से 30। इसको फीस कितना लगता है, कितना लगता है एग्जाम पूरा करने के लिए कितना लगता है वो मैं बात कर लूं। इसके लिए फीस जो जो नॉर्मली रेलवे का एग्जाम है तो आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू होता है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू जाने के बाद आपको एनटीपीसी, एनटीपीसी का पूरा नाम है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी आरआरबी में जाना है। आरआरबी में जाने के बाद एनटीपीसी, उसी में लिखा होता है, ये एनटीपीसी कोई थर्मल पावर नहीं है, ये इन नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का नाम है एनटीपीसी, ठीक है। इसमें जाकर आपको फीस भरना होता है, 500 रुपीज भरना होगा आपको जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए। जनरल कैंडिडेट हो ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको 500 रुपीज भरना होता है। अब एससी एसटी ओबीसी वोमेन्स कैटेगरी में है तो 250 रुपीज पर एप्लीकेशन आपको भरना होता है। एक बार दोस्तों बता दूं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसेस आपको बहुत ही सिंपल सिलेक्शन है। आरआरबी तो एग्जाम कराएगा, कंडक्ट कराएगा, इसमें दो चार प्रोसेस होता है। फाइनल पोस्ट पूछने के लिए चार प्रोसेस। पहला प्रोसेस जो होता है CBT 1, CBT 2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वेरिफिकेशन, उसके बाद ज्वाइनिंग। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड जो भी कुछ आपका एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस है, कोई हार्ड कॉपी का कोई टेस्ट इस पेपर के अंदर नहीं होगा। आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप टीसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप टीटीई के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी से भी अप्लाई करिए, तो आपको टोटल जो एग्जाम प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन बेस होगा, ऑनलाइन सेंटर पे जाके होगा। और सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, कंप्यूटर बेस्ड 2, कंप्यूटर फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल, उसके बाद फाइनल। कंप्यूटर बेस 1 में क्या होगा, इसमें टोटल आपका 3 सब्जेक्ट रहेगा, टोटली एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स का पेपर होगा, मैथमेटिक्स 30 मार्क्स का पेपर होगा, जनरल इंटेलिजेंस जो 30 मार्क्स का पेपर है, टोटल मार्क्स आपका आता है 100। टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट्स। सीबीटी 1 का आपका 100 मार्क का पेपर है, किसी का स्ट्रीम का हो, से आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, मेडिकल का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको 100 मार्क का पेपर देना है, सभी के लिए आप एलिजिबल हो। यह एमसीक्यू का पेपर है, 90 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा ये पेपर कंप्लीट करने के लिए 100 मिनट। इसमें जरूर निगेटिव मारेंगे, 3 क्वेश्चन आपका गलत हो गया, तीन क्वेश्चन आपको गलत हो गया, जो ऑरिजिनल आपका सही है वहां से एक कट जाएगा, 3:1 रेशियो। 3 क्वेश्चन आपने गलत किया तो जो सही है वहां से एक आपका पास कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप मान लो CB2 का प्रोसेस होता है, जो CB2 है वो है आपका 120 मार्क का पेपर है, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें जैसा 40 मार्क्स का था ये हो जाएगा 50 मार्क्स, 30 मार्क्स की जगह 35 मार्क्स, 35 में या 35, टोटल 120, लेकिन टाइम मिलेगा वही 90 मिनट्स के अंदर आपको इसको कंप्लीट करना होता है, 90 मिनट्स के अंदर ही आपको इसको फिनिश करना होगा, जिसका नाम है CB2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2। ये जब कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका ये दोनों टेस्ट होने के बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो आपको करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ये आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, आपका डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, परसेंटेज, वो पूरा प्रूफ करना होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर, वो सेंटर आपको बताया जाएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो गया तो आपको जाना है मेडिकल वेरिफिकेशन के लिए। मेडिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपका प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो आपका ज्वाइनिंग ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहां से लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज का बहुत ही सिंपल सिस्टम है, किसी भी लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हो, एक हिंदी एक इंग्लिश तो है ही है। आप चाहते हैं जो फॉर्म फिलअप के समय आपका जो स्पेशल लैंग्वेज है, मान लीजिए आपको तेलुगु में पेपर देना है, तमिल में पेपर देना है, बंगाली में पेपर देना है,
उड़िया में पेपर देना है तो आप वो ऑप्शन भी चूज कर सकते हो, नहीं तो आपको हिंदी और इंग्लिश तो कंपलसरी है, ऑप्शनल आपको स्टेट वाइज जो स्टेट के हो, आप बोलो मुझे उड़िया में पेपर देना है तभी देख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, जो फॉर्म फिलअप के समय आपको ऑप्शनल लैंग्वेज में जाके टिक करना होता है। सैलरी की बात करें, अप्रोक्स शुरुआत जो होता है इसका वो 30,000 के आसपास में आपका सैलरी मिलेगा, साथ साथ आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिट जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बेनिफिट है वो आपको पूरा मिल जाएगा। वर्किंग टाइम नॉर्मली 8 घंटा ही होता है, लेकिन वीकली 1 दिन आपको ऑफ मिलेगा, ऐसा नहीं है जो वो वीकली संडे ही ऑफ मिले, संडे मिल सकता है, मंडे मिल सकता है, ट्यूजडे मिल सकता है, कुछ भी, वीकली आपको 1 दिन जरूर ऑफ मिलता है। और आपका सैलरी 30,000 प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना बेनिफिट है, से इंश्योरेंस का बात करें, मेडिकल का बात करें, हाउस का बात करें, एडुकेशन का बात करें, सभी बेनिफिट इसके थ्रू है। ये टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। टीसी, टीटीई एंड सीसी ये पोस्ट के लिए अभी फिलहाल एप्लीकेशन आने वाला है। दोस्तों कुछ जानकारी था मैंने आपको बताने की कोशिश किया, बहुत जल्दी इसका ओपन होने वाला है वैकेंसी, तो इस प्रोसेस को फॉलो करिए तो आपका प्रोसेस पूरा हो जाएगा, तो आपको एक शानदार फ्रेश जॉब मिलने का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। जानकारी था बताया, अच्छा लगे जरूर कमेंट करके बताइए, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, धन्यवाद।